জেলার বড় চশমার দোকান এখন আপনাদের শহর বহরমপুরে। নিজস্ব কম্পিউটার ল্যাবে আমরা লেন্স তৈরি করে থাকি। আমাদের ঠিকানা বহরমপুর সুশ্রুত আই হসপিটালের ঠিক পাশে রাস্তার ডান দিকে। এভারেস্ট অপটিক্যালে আপনাদের জানায় সাদর আমন্ত্রণ। বহরমপুরে এসে অধীর চৌধুরীকে খোঁচা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। তিনি বলেন, পঞ্চায়েত ভোটের সময় এখানকার নেতা অভিযোগ তুলেছে পঞ্চায়েত ভোটে হিংসা হয়েছে, কিন্তু দিল্লিকে কি হলো, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসে পড়লেন। গতকাল মুর্শিদাবাদে এসে পৌঁছায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এরপর আজ বহরমপুরে ভোটার তালিকায় নতুন নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উৎসাহিত করেন। সেখানে এসে রাজ্য মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। देखिए, मुझे लग रहा है कि बहन बेटी किसी की भी हो, उसके लिए देश को एक मुश्त आवाज़ में खड़ा होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के क्षेत्र में महिलाओं को कपड़ा उतार करके खुले घुमाया गया, एक महिला के राज्य में नाम ममता है लेकिन इतनी कुर्ता अंदर भरी है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि वो महिला है या अंदर क्या बैठा हुआ है। मुख्यमंत्री का दायित्व तो होता है, उसने वोट दिया है कि नहीं दिया है, सपोर्ट किया है कि नहीं किया। मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री रहते पूरे प्रदेश की जनता आपकी है, उसका पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ममता बनर्जी जी जहाँ उनके झंडे को छोड़ करके किसी कार्यकर्ता के घर में किसी का झंडा दिखाई पड़ता है, उनके गुंडे वहाँ हमला करने लगते हैं, तो इस प्रदेश में तो उम्मीद नहीं की जा सकती ममता बनर्जी से। हाँ, जनता को मैं अभिनंदन करती हूँ, तीन विधायक से इसी प्रदेश की जनता ने 70 विधायक दिए, 18 सांसद दिए, और मुझे उम्मीद है अगले आने वाले जो भी चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव में भी जनता ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया, और निष्पक्ष चुनाव होते तो ममता बनर्जी पंचायत से भी साफ हो जाती। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उसमें ही साफ हो जाती, लेकिन वहाँ भी उनके लोग गुंडागर्दी करते रहे। और दुर्भाग्य है, कांग्रेस के लीडर यहाँ चिल्ला रहे थे कि ममता बनर्जी निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रही, उनके गुंडे हमले कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जाकर के क्या हो गया अधीर रंजन चौधरी को, वहाँ जाकर के कम्युनिस्टों के गले में गले हाथ डाल करके चल रहे हैं। ये जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से सावधान जरूर रहना पड़ेगा। धन्यवाद।